pregnancy photoshoot is done. गद्दार है फुल ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज शनिवार है एंड कैसा रहा आप सबका होली? हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही होली लगाया है ना, एंड रेक्स को भी एक छोटा एक टीका लगा के दिया। तो आज का मौसम क्या बोलूँ, बहुत ही ऐसा भुजिया टाइप है, लाइक बहुत ही फॉगी है, कोहरा नहीं तो धुंध जो बोलते हैं वो है। बट या इट्स नॉट रेनिंग, दैट इज़ ए गुड थिंग। अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है एंड आने के तुरंत बाद ना, तो आने के बाद ही तुरंत मैंने चॉपिंग कटिंग कर लिया क्योंकि आज डोसा बनाएंगे, तो बैटर मैंने कल ही बना दिया था। एंड उसके बाद हम लोगों को थोड़ा निकलना भी है, लाइक राय के ग्लासेस लाना है। ये तो शनिवार छोड़ के होता ही नहीं है, वीक डेज में करेंगे तो यू नो अगेन आई हैव टू टेक हर आउट फ्रॉम द स्कूल एंड ऑल, क्योंकि उसको पहन के देखना होगा ना परफेक्ट है कि नहीं। कभी कभी यू नो लूज होता है तो वो लोग एडजस्ट करके देते हैं। उसके बाद राय का ड्रेस खरीदना, लाइक इस वीक तो जाना ही जाना है। सब्जी बनाने के लिए लाइक डोसा के अंदर में जो हम लोग देते हैं वो सब रेडी हो गया है। आलू भी मैंने बॉयल कर लिया है एंड डोसा के साथ मुझे लगता है सांबर इज ए मस्ट, तो यहाँ पे भी सब कुछ कट कर लिया है। एंड मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी कि पायल ये चिली का पेपर्स का नाम क्या है, बहुत जन मुझे पूछ रहे थे। लाइक वो जो रेड कलर का पेपर था ना जिससे मैंने वो चिकन बनाया था उसका नाम क्या है, तो जब मैं नेक्स्ट रोज जब मैं जाऊंगी होल फूड्स तब मैं वो नाम देखूंगी एंड आप सबको बताऊंगी। लाइक डोसा का बैटर ना बहुत एक्चुअली अच्छा बना है, कोई कोई रोज़ अच्छा होता है, कोई कोई रोज़ इतना अच्छा नहीं होता है। एंड अगर आप लोग मेरे जैसे ठंडियों के जगह पे रहते हैं यू नो बिकॉज ठंडी में बोलते हैं ना फर्मेंटेशन नहीं होता है, तो बेस्ट जगह रखने के लिए है कि ओवन में, सिर्फ ओवन का लाइट ऑन करके रख दीजिए। एंड कोई मुझे बोल रहा था अराउंड कितना, आई थिंक सो 118 फ़ारेनहाइट या उससे भी कम, वो नहीं, मैं जस्ट ओवन का लाइट ऑन करके रखती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो सांबर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ एंड मैं बहुत ही कम सांबर बना रही हूँ ताकि यू नो एक टाइम कोई हो सब कुछ एक साथ मिक्स करके, देन आई विल ऐड द मद्रास सांबर मसाला MTR का, मुझे वो काफ़ी पसंद है। एंड आलू की सब्जी के लिए ना एक्चुअली यू डोंट नीड ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, मैंने इस पे प्याज दिया है, फिर बहुत सारा हरा धनिया, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स एंड सरसों एंड थोड़ा हींग। तो जब अच्छी तरीके से प्याज फ्राई हो जाए ना, देन हम लोग बॉयल्ड आलू इसमें ऐड कर देंगे, देन वील ऐड सम टर्मरिक पाउडर एंड फिर थोड़ा पानी देके मैं कवर करके रख दूंगी। तो सांबर के लिए मैंने पानी दे दिया है, बस अभी 2-3 सीटी सांबर विल बी डन एंड आलू की सब्जी भी रेडी हो गया है। तो सांबर के लिए ना ट्राई द मद्रास सांबर मसाला, बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा तीखा होता है। यहाँ पे रेक्सू बाबा का ब्रश हो रहा है, रेक्सू बाबा को देखो पूरा महाराज ना। तो सांबर भी हो चुका है, ऑलरेडी 4 सीटी दे दिया, मैं बंद ही कर देती हूँ। एंड अभी मुझे लगता है डोसा चटनी के बगैर अधूरा है, तो चटनी ना मैं सिर्फ नारियल एंड ग्रीन चिली से बनाती हूँ एंड ऊपर में बहुत जन तड़का देते हैं, आई डोंट गिव दैट तड़का। तो सांबर अच्छा हुआ है देखने में, मैंने अभी तक चखा नहीं है, चलो ठीक ही होगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। एंड मैं जो बोल रही थी, ये तावा पे ना डोसा इतना परफेक्ट होता है एंड ये जैसे कि मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं दिया है, तो आप ना ऐसा क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं। ये मैं राय के लिए बना रही हूँ थोड़ा बटर दे के, एंड कल का एक्चुअली बैटर डोसा का बहुत अच्छा बना था। तो ये रहा सांबर, ये रहा डोसा एंड हाँ वो नारियल का चटनी।
तो मैंने वो लोग को दे दिया, क्योंकि डोसा ना गरम गरम ही सबको सर्व करना चाहिए। एंड मैं अभी अच्छी तरीके से बैठ के खाऊंगी। तो डोसा खाने में बहुत टेस्टी हुआ था एंड सबके साथ अच्छा लगता है, यू नो, सांभर थोड़ा, फिर नारियल का चटनी। मुझे नारियल का चटनी ना ऐसा पसंद है, प्लेन। यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स डेफिनेटली, पर मुझे ऐसा प्लेन अच्छा लगता है विद लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली। एंड अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग निकल चुके हैं, तो पहले ग्लासेस ले लेंगे एंड फिर मॉल चले जाएंगे। एना टेलर में विल गे लाइक लॉट ऑफ वी कैन गेट अ फॉर्मल ड्रेस, तो यू नो दिस ऑल ड्रेस आर जस्ट फॉर वन डे टू डे, तो कुछ सस्ता में मिलेगा, यू नो, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट चलता रहता है, तो वही ले लेंगे, बस हो जाएगा और ख़त्म। तो मॉल में सिर्फ वो एक ही शॉप में जाएंगे। तो राय और शामी गए, ओ शायद आ भी गए, देखते हैं। इज इट डन? ओ वाओ, देखिए इट्स लुकिंग गुड, इट्स लाइक हैरी पॉटर ग्लासेस मोर मच ना। आज मॉल एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ना क्राउडेड है, मे बी क्योंकि हम लोग वीकेंड में आए हैं। Emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. तो घर पहुंच गए बहुत जल्दी, हम लोगों का सारा काम हो गया है। एंड एक्चुअली कल ना हम लोगों के यहाँ पे ना सडनली ना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था एक दो रोज से। कल एक्चुअली काफी ज्यादा गर्मी था, लाइक इट वाज अराउंड 25-26 ऐसा, तो अभी यहाँ पे यू नो ऐसा 1-2-3 ऐसा ही रहता है। तो होता है ना, आप देखेंगे अगर अचानक से टेम्परेचर चेंज हो ना तो तबीयत खराब हो जाता है ना। एंड कल राय लोगों का हाफ डे था, तो आने के बाद ना फिर राय अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोग वो लोग फ्रेंड्स के साथ क्योंकि हाफ डे है, तो वो लोग अपने विलेज के पार्क में गए थे। तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज ना, लाइक राय बोली मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो फिर तुरंत हम लोगों ने टेस्टिंग कर लिया। दिस इज समथिंग नाउ इट्स गुड, थोड़ा भी कुछ होते हम लोग तुरंत इमीडिएटली फर्स्ट टेस्टिंग कर लेते हैं, तो वो तो निगेटिव आया है, पर डेफिनेटली लोगों का तबीयत ऐसा भी तो खराब हो सकता है। एंड उसके बाद ना मैं और शामिक एंड रेक्स को लेके एक जगह, इट इज रियली ब्यूटीफुल, थोड़ा ऐसा वॉक करके आएंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। शामिक मैं मॉल पे गई ना, शामिक इसलिए मैंने बोला अरे इट्स वी आर नॉट सिक राइट, किसी ने मुझे कमेंट पे भी लिखा था, मुझे सो ट्रू दैट अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब ये नहीं दैट शी इज सिक, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू नो, कि अगर इफ यू डोंट फील गुड देन टेक रेस्ट, नहीं तो जैसे डॉक्टर तो बोलते ही है स्टे एक्टिव। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत बड़ा लेक है। तो जब भी हम लोग डॉक्टर के वहाँ पे जाते थे ना, तभी लगता था कि हाँ एक रोज यहाँ पे आना चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, चले जाएंगे मे बी 10 मिनट्स, बट हाँ हम लोगों को यहाँ पे ना देर आर लॉट ऑफ प्लेस, यू नो स्पेशली समर टाइम में मज़ा आता है। Best friend didn't care about the rules, good on the weekends. एंड लेक के बीच में सी वो घर है, एंड कोई जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, पता नहीं क्यों बनाया ऐसा, देख के ऐसा भूतों का घर होता है ना वैसा लगता है। बहुत ही अच्छा जगह था एंड फ्री में मैंने अपने प्रेगनेंसी का फोटोशूट भी कर लिया। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल प्रेगनेंसी फोटोशूट कब करोगी, तो वी आई लाइक एक होता है ना, मुझे ये सब कभी भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है फोटो तो हम लोग क्लिक करते फिर हम लोग कभी देखते ही नहीं है, फिर ऐसा ही कहीं पर पड़ा रहता है, तो सबसे अच्छा है अभी तो फ़ोन इतना अच्छा है, मैंने शॉमी को बोला मेरा 2-3 पिक्चर ले लो, एंड बहुत ही अच्छा स्पॉट था, तो हो गया मेरा प्रेगनेंसी फोटोशूट इज डन। कैसा लगा जानू फ्री में, बहुत अच्छा लगा।
नहीं यार, सभी का अलग अलग रहता है ना। आई नो मेनी ऑफ यू लव ऑल दिस, पर हम लोग ना ये सब लाइक, मैं ऐसी हूँ, आई नेवर फॉलो ट्रेंड। मुझे कुछ पसंद है तो है, कुछ नहीं है तो ना, मुझे हर वक्त लगता है पिक्चर्स हम लोग कभी देखते ही नहीं है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। हम लोग कितने, हम लोग 4 बजे से पहले ही आ गए। एंड सी, मैं बोलती हूँ ना फुल जहाँ पे मैं खाना बनाऊँगी वहाँ पे ही बैठा हुआ रहता है, तो राय को ना थोड़ा भूख लग गया, तो मैं सोच रही हूँ। एंड हम लोग के घर में ना, सच्ची सच्ची बात बताओ ना, डोसा ना लाइक आई कैन हैव, मैं मॉर्निंग पे भी खा सकती हूँ, मैं नाइट पे भी खा सकती हूँ, मैं लंच पे भी खा सकती हूँ, पर सभी को शॉमिक एंड राय को ना सिर्फ एक टाइम ही पसंद है। तो आई हैव दिस मोजरेला स्टिक, एक्चुअली ये कंपनी का लाइक प्रोडक्ट्स आर सो गुड ना, फील गुड फूड्स का। इसका ही चिकन डम्पलिंग है, तो उस दिन हम लोग होल फूड्स गए थे ना, वी गॉट दिस वन, तो ये मैं बनाऊंगी। ओ माय बेबी, रायका रेडी हो गया है। एंड मैं ना अपने लिए एक डोसे बनाऊंगी प्लेन, वो सिर्फ नारियल के चटनी के साथ मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग गया है। एंड नहीं, वो थोड़ा पतला करके बनाते हैं ना, आप देखेंगे घर का डोसा में एंड शॉप का डोसा में तो फर्क होता ही है। मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगी, अभी ये इतना चालू है ना, अभी राय को मैं बुलाऊंगी ना, राय आएगी ना, ये लेके जाएगी ना, ये फिर तुरंत नीचे चला जाएगा मामा। अभी ये राय आएगी ना, देखती जाना ऑलरेडी स्टार्ट अभी कर देगा। नहीं, वेलकम, तो आएगी भी सॉस ऑल्सो। सी सी अभी चला जाएगा, देखो कैसा है, मैं बोलता गद्दार है फुल, ये जहाँ पे खाना देगा वहां पे ही चला जाएगा। एंड मैंने थोड़ा स्टफिंग भी ले लिया है आलू का, तो दिस इज माय सेकंड लंच आप बोल सकते हो। रेक्स को देखो केम लगछ मा, एकदम छोरीटा ओके रेक्स तो था। तो थोड़ा टाइम के लिए ना मैं सो गई थी, पहले राय हम लोग सब मिलके कुछ देख रहे थे, फिर शॉमिक चले गए, लाइक शॉमिक सैटरडे हो या संडे या मंडे, शॉमिक हर वक्त यू नो ही कीप्स ऑन वर्किंग, उनको कुछ काम है लाइक वो चले गए अपने स्टडी में, तो मुझे लगा चलो, एंड राय भी चली गई अपने रूम में, तो मुझे लगा चलो मैं सो जाती हूँ। एंड चलिए लेट मी शो यू द ड्रेस जो हम लोग राय के लिए खरीद के लाए हैं। तो वेरी सिंपल वन, फुल ऐसा ब्लैक कलर का है, वो जैसे फॉर्मल होते हैं ना, काफी सुंदर है ये। वेट यार, ये काफी थोड़ा बड़ा हो रहा है राय के लिए, बट चलो दैट इज फाइन। तो ये ऐसा बहुत ही ब्लेंड लग रहा है राइट, देखने में एक पिंक कलर का था, पर पिंक कलर का अजीब लगता है, तो राय वाज लाइक कि नहीं ऐसा लेना है। एंड राय ने पहना था तो बहुत सुंदर लग रही थी, फिर मैंने राय को बोला ना इसके साथ ना एक बेल्ट ले लो, तो फिर ये बेल्ट एक अच्छा चीज़ है कि ये बोथ साइड है, सी ऐसा है बेल्ट, वो लोग का जो लोगो रहता है इस तरफ पहन सकते हैं, नहीं तो इफ़ यू वांट इस तरफ भी पहन सकते हैं, तो इस तरफ एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट मी सी ड्रेस के साथ कैसा लगता है। या सी मुझे लगता है सी अभी ड्रेस लाइक पहले बहुत ही फीका लग रहा था ना, एंड मुझे लगता है ये साइड ज़्यादा अच्छा है यू नो कंपेयर टू द अदर वन। एंड आप लोग मुझे बताना कौन सा साइड अच्छा लगेगा, आई फील समवेयर दिस साइड ओनली विल लुक गुड राइट, ये साइड अच्छा लगेगा या दिस वन, आई फील दिस वन, दिस साइड ओनली इज गुड, तो आप लोग मुझे बताना। तो ड्रायर चल रहा है एंड बेचारी राय का तबीयत ही खराब हो गया, तो चलिए ऊपर चले जाते हैं, राय अपना होमवर्क कर रही है। मामा ऐसे जा रहे हैं, हम लोग क्या खाए, तो मैंने बोला राय तुमको क्या खाने का मन कर रहा है बोलो, तो अभी हम लोग के घर में फेवरेट है, एंड इट्स फनी मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड ऑल्सो, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, दैट इज डोमिनोज का पास्ता, वो लोग इतना गरम गरम देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने 3 पास्ता ऑर्डर कर दिया है।
8 बजने वाला ही है। एंड हाँ, आपको आप सबको बहुत दिनों के बाद एक चीज़ मैं सुनाऊंगी। वेट, बाहर चलते हैं। सी, क्रिकेट का साउंड, ये मुझे इतना पसंद है। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ यू नो, जब ये स्प्रिंग टाइम आता था, सी कितना लाउड साउंड है। एंड होता है ना, कुछ चीज़ खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो अभी ऐसा ही हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग कभी कभी ला रहे थे ना पास्ता का, तो आज लाइक मुझे और खाने का ही मन नहीं किया। मे बी क्योंकि मैंने शाम को ही मैंने डोसा खा लिया था, एंड राय का तो तबीयत ही अच्छा नहीं है। एंड द फनी थिंग, मैं आप सबको फोटो में दिखा रही हूँ, होता है ना हम लोग का ही ऐसा, लाइक मैं जैसे बोल रही थी ना, हम लोग का ऐसा, मेरा कुछ ऐसा प्लान है नॉल नहीं था कि मुझे फ़ोटोशूट कराना है। एंड शायद इस बार मैं, टुडे विल बी द फर्स्ट टाइम ना कि मैंने पिक्चर भी क्लिक किया है, उससे पहले मैंने कोई पिक्चर एंड ऑल कुछ भी क्लिक नहीं किया। जो भी मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ वो मेरे थंबनेल के लिए करती हूँ। तो वन पिक्चर इज सो फनी, मैं शायद ऊपर दे दूँगी, नहीं यहाँ पे दे दूँगी, यहाँ पे ही दिखाती हूँ सबको। तो मैंने लास्ट ना शौमिक को बोला, चलो शौमिक तुम भी आओ, हम लोग दोनों मिलकर क्लिक करते हैं। तो हम लोगों ने टाइमर बिठा दिया। नाउ द फनी पार्ट, अभी देखो शौमिक के हाथ में क्या है। एक तो पिक्चर बहुत सी, शौमिक के हाथ में पूप बैग। ये देख के मुझे इतना हंसी, शौमिक के हाथ में देखो, शौमिक के हाथ में देखो, वेट, कहाँ सी पूप बैग है रैक्स का। तो ये देख के इतना मुझे हंसी आया ना, जस्ट इमेजिन। तो यू नो 10 सेकेंड्स का टाइमर था, तो जल्दी जल्दी। पर हाँ, बाकी के पिक्चर्स बहुत खूबसूरत आए हैं। I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Maybe फिर यू नो बाद में कभी वहाँ पे जाएंगे, सब लोग रहेंगे, राय रहेगी, तो आई क्लिक सम मोर पिक्चर। बट हाँ, दिस वॉज माई फर्स्ट, मैं बोलूँगी प्रेगनेंसी पिक्चर। उससे पहले मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, जो भी मैंने क्लिक किया ऐसे मैं बोल रही हूँ ना कि थंबनेल के लिए किया, होता ही। तो शौमिक अभी CVS गए है राय के लिए टैबलेट लाने, क्योंकि घर में ना जितने भी सारे पैरासीटामल थे सभी एक्सपायर हो चुके हैं। हर वक्त बोलते हैं ना पापा का प्यार लाइक बेटियों के लिए स्पेशली अलग होता है। तो शौमिक CVS गए थे ना पैरासीटामोल लाने, तो जस्ट इमेजिन इतना बड़ा टायरनल लेके आए, इसमें 100 टेबलेट है। मैं बोलूँ इसमें यार क्या होगा, दिस ऑल थिंग्स यू नो, कभी तबीयत खराब हो फिर ही ज़रूरत पड़ता है। तो मैं जब भी ये सब लाती हूँ ना, मैं बहुत ऐसा छोटा छोटा लाती हूँ, एटलीस्ट जो 20 रहे। इतना भरा शौमिक इसलिए नहीं, बाकी सब छोटा छोटा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो आज संडे हो गया, एंड कल रात को ना राय का तबीयत खराब था, फिर मैं वीडियो एंड करना ही भूल गई। तो नाउ द टाइम इज 11:30। आज अभी राय ठीक है, पर हाँ गले में जैसा हल्का हल्का दर्द कर रहा है। तो अभी मैं राय के लिए उसको खाना है चिकन नूडल सूप। तो अभी हम लोग बाज़ार गए थे, थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना था, सो वी गॉट सम चिकन ऑल्सो, तो वही मैं बनाऊंगी। एंड चलिए उसके साथ वीडियो भी एंड, वीडियो को भी एंड कर देते हैं व्लॉग को। कल फिर हम लोग के यहाँ पे इतना बारिश हुआ ना, तो लगता है फिर से बारिश होने वाला है, क्योंकि थोड़ा देर पहले धूप था, अभी फिर से बारिश जैसा वेदर हो गया है। तो जाने से पहले विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकडेज, वीकडेज को बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट कीजिए। एंड मैं आप सबसे मिलूंगी टुमारो विद ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय।